वेलकम बैक स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट टॉपिक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर. यानी पालमपुर विलेज में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. विलेज अब पालमपुर की 25% पॉपुलेशन ऐसी है जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व. तो आफ्टर 25% ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ विलेज लाइक पालमपुर इज एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. दीज इंक्लूडेड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी जो एक्टिविटीज हैं वो इन्वॉल्व हैं. तो लेट अस गो. फर्स्ट है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज लाइक एज वीविंग. ओके, वीविंग में क्लोथ वीविंग आ गया. डिफरेंट टाइप की जो स्मॉल स्केल में आते हैं जैसे बुकेट वीविंग हो गया, बास्केट वीविंग यानी कि जो बास्केट मेकिंग का काम होता है, साथ ही साथ कारपेंटिंग का काम होता है, बढ़ईगिरी का जो काम होता है, बेड चेयर टेबल एंड डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज होती हैं. फिर पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, यानी विलेज एरिया में जो डिफरेंट ब्लैक स्मिथ हो गए. ओके, यानी कि वो डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर टूल्स प्रिपेयर करने का काम करते हैं. तो क्या है इन स्मॉल स्केल पे विलेज ऑफ पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जिसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कहा जाता है. तो फर्स्ट पॉइंट ये रहा. सेकेंड पॉइंट इज लार्ज मैन्युफैक्चरिंग. लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ऐसे पालमपुर विलेज के लोग जो काफ़ी रिच पर्सन है या जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती है उसमें क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें इनका इन्वॉल्वेशन लार्ज स्केल पे है. ओके, फिर आपका हो गया शॉपकीपिंग हो गया एंड ट्रेडिंग. शॉपकीपिंग डिफरेंट टाइप की शॉप्स हैं, क्लोथ्स की शॉप हो गई एंड जो राशन शॉप्स होती हैं वो भी अवेलेबल हैं. साथ ही साथ कुछ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हैं जैसे जैगरी हो गया यानी कि जो गुड़ का प्रोडक्शन होता है एंड डिफरेंट टाइप की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है वो एक्सपोर्ट करने का काम भी करते हैं. एंड फोर्थ है ब्रिक्स मेकिंग यूनिट्स. विलेज ऑफ पालमपुर के आसपास और गांव में क्या है, ब्रिक्स मेकिंग यूनिट्स लगाए गए हैं, ईंट भट्ठे लगाए गए हैं जहाँ पे ईंट बनाने का काम भी होता है. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी विलेज ऑफ पालमपुर की बेटर है. जो विलेज ऑफ पालमपुर है यहाँ से लेके जो रायगंज टाउन एरिया है उसके बीच में और डिफरेंट जो आसपास के विलेज एरिया है नियर अबाउट पालमपुर के, चूँकि पालमपुर वेल रोड नेटवर्क कनेक्टेड एरिया है तो यहाँ पे आपको जीप्स हो गए, बैलगाड़ी हो गए, ब्लैक कार्ट हो गए, फिर जो टांगा हो गया, इन सब की अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिलेंगी. ट्रक्स हो गए और भी क्या होता है, एक तो खास करके मेन को भी वन प्लेस पे अनदर प्लेस पे ले जाने का काम किया जाता है ट्रांसपोर्टिंग में, और साथ ही साथ जो गुड्स होते हैं उनको भी क्या उनको भी वन प्लेस से अदर प्लेस सिटी एरिया टाउन एरिया विलेज एरिया विलेज एरिया से सिटी एरिया की तरफ. तो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी यहाँ का बेटर है. सिक्स है डेयरिंग फार्मिंग. विलेज ऑफ पालमपुर के लोग डेयरी फार्मिंग का भी काम करते हैं. यहाँ पे लार्ज स्केल पे डेयरी फार्मिंग यानी कि विलेज ऑफ पालमपुर की जो 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में वो मोस्टली डेयरी फार्मिंग का भी काम करती है. क्योंकि डेयरी फार्मिंग की जो डिपेंडेंसी होती है वो क्या होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे होती है, प्राइमरी सेक्टर्स पे होती है. जो कैटल्स के लिए फोडर्स होते हैं, ज्वार बाजरा एंड डिफरेंट टाइप की जो वीडिंग्स ग्रो होती हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स एरिया में, तो उससे क्या होता है डेयरी फार्मिंग भी यहाँ पे वेल डेवलप नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे ही इन्वॉल्व है. एंड सेवेंथ है मनी लेंडिंग. यानी विलेज ऑफ पालमपुर में जो वैसे पीपल्स हैं जो रिच पीपल हैं मनी लेंडिंग का भी काम करते हैं, मनी लेंडर का काम करते हैं, यानी कि पैसा इंटरेस्ट पे देते हैं, ब्याज पे देते हैं जो वैसे ट्रेडर्स हैं, जो स्मॉल स्केल जिनके पास जो स्मॉल पीजेंट्स हैं, पुअर पीजेंट्स लेबरर्स हैं, कुछ नीडेड रहती हैं, जो वैसे लोग हैं अपना
ट्रेड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन मनी लेंडर्स क्या करते हैं, डेप्ट लेते हैं, कर्ज लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है, मनी लेंडर्स क्या करते हैं, इनकी जो क्राफ्ट होती है, जो वैसी कमर्शियल क्राफ्ट होती है, उसमें इंटरेस्ट देते हैं, और जब हार्वेस्टिंग की टाइम आता है तो उन्हें लो लेवल पे या जो भी उन्हें फेयर लगता है वह मनी प्रोवाइड करके और उसे अपने एक्सपोर्ट कर देते हैं। यहाँ से जो डिफरेंट टाइप की प्रोडक्शन रहती है। फिर एट हो गया मेकिंग जगरी, चूँकि शुगर फार्मिंग भी लार्ज स्केल पे होती है, जो वैसे पिजन्स है, तो यहाँ पे गुड़ का उत्पादन होता है, जैगरी का उत्पादन होता है, जो आसपास के विलेज एरिया में और नियर बाई जो टाउन एरिया है, रायगंज हो गया, डिफरेंट टाइप के जो टाउन्स है वहाँ पे क्या एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, तो इनकम मिलती है। एंड नेक्स्ट है कोचिंग सेंटर्स, यानी विलेज आप पालनपुर में लार्ज स्केल पे कोचिंग सेंटर्स भी अवेलेबल है, ये भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आते हैं। कोचिंग सेंटर जो हो गए, जो विलेज एरिया के पीपल्स हैं, उनके जो चिल्ड्रंस हैं, अब गांव से दूर शहरों में जो प्राइमरी एंड हायर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी एजुकेशन होता है उसके लिए भेजेंगे, तो इससे अच्छा अगर यहाँ पे गांव में ही बेटर फैसिलिटीज है, कोचिंग सेंटर्स हैं, तो क्या होता है, कोचिंग सेंटर्स में एजुकेशन लेवल को भी स्टैंडर्ड करने का काम किया जाता है। तो ये रहा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन विलेज पालनपुर। एंड नेक्स्ट पॉइंट एक है, कंडीशन इसेंटियल फॉर एक्सपेंशन ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, वो कौन सी कंडीशन है जिसको हम फॉलो करके ये जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है उसको क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ऑल दो पीपल विद द सम अमाउंट ऑफ मनी कैन सेट अप द नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, जो रिच पीपल्स हैं इस गाँव के लोग, उन्होंने अपने मनी को नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व किया कि जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है इसको इंक्रीज करने का काम किया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, बैंक लोनिंग सिस्टम भी अवेलेबल है, तो वैसे लोग हैं बैंक से लोन लेते हैं और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कोचिंग सेंटर्स के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप की स्कीम को लॉन्च करती है, तो डेयरी फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट का आता है तो उसके तहत लोन मिलता है, फिर कोचिंग सेंटर्स के लिए भी, फिर डिफरेंट टाइप के जो ट्रांसपोर्ट हो गए लोन पे, जो फोर व्हीलर्स होती हैं, जो भी जीप ट्रैक्टर वगैरह, ये सब लोन पे भी अवेलेबल रहती हैं। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, फिर आपका हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, पिपिंग के लिए, पोल्ट्रिंग के लिए, कारपेंटिंग के लिए भी क्या करती है, गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है। तो ये रहा आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालम। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।